ठीक है, इस तो हमने अपनी दो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ की जो मिलने वाली डिशेज हैं वो ले ली हैं। पहली चीज़ है इनकी कोटा कचौरी, जो कि ये कहते हैं कि कोटा की कचौरी है, और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली आलू की कचौड़ी को मैंने ली नहीं क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है मुझे लगता है जहाँ तक। आइए मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ कि टेस्ट कैसा आखिरकार। देता हूँ उसकी बाइट, इसमें हींग का बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर है जो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं आएगा तो हो सकता है आपको ख़राब लगे, मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। और चटनी नमकीन तीखी वाली और मीठी वाली वो भी काफ़ी अच्छी है। साथ में इन लोगों ने इसमें धनिया डाला है, साबुत धनिया भुना हुआ, और इन लोगों ने इसमें उड़द दाल की फिलिंग करी है, और जो कवरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं इस कोटा कचौरी को सॉलिड स्कोर दूंगा 8/10। मेरे लिए मेरी तरफ से काफ़ी अच्छे से रिकमेंडेड है। अगर आप आ रहे हो अच्छे सा लेआउट में यहाँ कोटा कचौरी पे आके, आप ये इनकी ये वाली कोटा कचौरी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इन लोगों ने चटनी ऊपर से डाल के दी थी, काफ़ी अच्छा लगा। तो आइए अपनी अगली डिश पे बढ़ते हैं, जो कि मैंने यहाँ से लिए हैं इनके छोले भटूरे। देखते हैं यार अच्छे हैं कि नहीं है। हालांकि इनका नाम तो बहुत है, बहुत जगह पे इनकी ब्रांचेज है बैंगलोर में, इसी एरिया के ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रेडियस में इनकी एक और दुकान है। इतनी फेमस है ये लोग, तो देखते हैं क्या सच्ची में इनका जो ना फेमस होना है वो जस्टिफाइड है। आइए ट्राई करते हैं। मैंने इनसे पार्सल लिया तो इन्होंने अच्छे से मेरे सामने भटूरे तल तल के आपको वीडियो में दिखाई दिया होगा, इसमें ऐसे पैक कर दिया है। और ये है इनके छोले, देखिए क्लोजअप देखिए इसका। इसमें इन लोगों ने पनीर डाला है और छोले भी होंगे, ये छोले दिख रहे हैं। आई थिंक ये अच्छे होंगे, टेस्ट करके देखते हैं। हाँ इनमें पनीर ज़्यादा है, जनरली इतना पनीर होता नहीं है। और साथ में इन्होंने ये दिया है, इसमें आई थिंक प्याज होगा, तो भी देख लेते हैं एक बार। इसमें नींबू और प्याज है, तो मैं आई थिंक एक पीस ले लूँगा इसमें से। अच्छा इसमें खीरा भी है, नींबू भी है। अब हम इनका भटूरा निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। आप ज़रा पास आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ओहो तो मैं आपको ये भटूरा काफ़ी गर्म लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसमें से एक बाइट लेता हूँ और अपने प्लेट में डालता हूँ। इसका टेस्ट करता हूँ और आपको इसका असली टेस्ट बताता हूँ कि आखिरकार टेस्ट कैसा है। इंडिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आई, अगर आपको मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं लगे, मेरा ओपिनियन अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि मैं अपनी क्वालिटी इम्प्रूव, मेरे को अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। और अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी अच्छी खाने की आप जगह रिकमेंड करना चाहते हैं बैंगलोर में, प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय।